कोड उत्तर प्रदेश से है। पुलिस अधीक्षक वृद शुक्ला के निर्देश अनुसार अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए चार अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी क्षेत्र अधिकारी राजापुर एसपी सोनकर्क पर्यवेक्षक प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर दीपेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में बता दें कि राजापुर रामवीर सिंह और उनकी टीम द्वारा ही अभियुक्त बुद्धराज पुत्र लुसरुआ निवासी ग्राम सिरकी सिहानी थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट और मिथिलेश कुमार पुत्र लल्लू प्रसाद निवासी देवल चौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट 6 किलोग्राम सूखा गांजा नजायज व 1 अदद अवैध तमंचा 32 बोरा 2 अदद जिंदा कारतूस 32 बोरे के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अवैध सूखा गांजा बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत ही अवैध तमंचा कारतूस बरामदी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया गया। प्राइम बीके न्यूज चैनल के लिए अश्विनी सिंह उत्तर प्रदेश। राजापुर थाना अंतर्गत प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह और उनकी टीम के द्वारा कल संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना के आधार पर चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान जो है 2 संदिग्ध व्यक्तियों को रोका गया और उनकी चेकिंग की गई तो उनके पास से 2 अवैध असलहे उसके साथ लगभग 6 किलो गांजा प्राप्त हुआ है। उनको दोनों को गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।